कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी कर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1-2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन द फॉलोइंग फॉर कंटिन्यूटी। सो कंटिन्यूटी के लिए ये सब फंक्शन को एग्जामिन करना है। पहला वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्यूशन, सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। सो एफ एक्स जो एक्स माइनस फाइव इस प्रकार से डिफाइन है, तो एक पॉलिनोमियल है, तो कोई भी वैल्यू एक्स का कोई भी वैल्यू के लिए ये इन्फिनिटी या उस प्रकार का आंसर नहीं देता है, या न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर टाइप का भी नहीं है, सो पॉलिनोमियल है। सो इसमें लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट पुट किया जा सकता है। सो कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट में हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। लेट सी बिलोंग्स टू आर, बी एन आर्बिट्ररी रियल आर्बिट्री नंबर। सो हमारा जो सी है कोई एक आर्बिट्ररी रियल नंबर है, तो उस पॉइंट में हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। उसके लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का सी पॉइंट में लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स, मतलब एक्स माइनस फाइव। एक्सटेंडिंग टू सी मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, बट एक्स सी का इक्वल नहीं है, लेकिन सी के एक पूरा जितना भी पास हो उससे भी पास, एक्स सी के पास बट एक्स सी नहीं है। कितना पास, जितना पास, जैसे कि एक्स टेंडिंग टू टू, टू अगर पॉजिटिव से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू 2.00001 ऐसा हो सकता है एक्स का वैल्यू, लेकिन ये नॉट इक्वल टू टू है, और ये इससे भी पास वाला वैल्यू है, ये भी नहीं एक्स इस, ये भी नहीं, इससे भी पास वाला 2.10 सपोज, उसके बाद 1, उससे भी पास, मतलब बहुत पास, लेकिन नॉट इक्वल टू टू। टेंडिंग का मतलब उस प्रकार का होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी मतलब नॉट इक्वल टू सी बट सी के पास। तो इस प्रकार के केस में डेल वैल्यू डालने से क्या होता है, सी माइनस फाइव। एंड फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ सी इक्वल टू एक्स का जगह में सी डालना है, सी माइनस फाइव। तो क्या मिला है, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडेड टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर। सो कोई भी एक आर्बिट्ररी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन जो कंटिन्यूअस होता है, उसका मतलब एफ इज कंटिन्यूअस ऑन आर। सो आर में कंटिन्यूअस, होल आर में ये फंक्शन जो कंटिन्यूअस होगा। सो और एक बार देखते हैं लिमिट कैसा, मतलब लिमिट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू। सो इसका मतलब एक्स का वैल्यू अगर टू डाल दिया तो ऊपर में क्या होगा, टू स्क्वायर माइनस फोर, टू माइनस टू, जीरो बाई ज़ीरो। सो ये मीनिंगफुल नहीं होगा, लेकिन एक्सटेंडिंग टू टू का मतलब है टू का बहुत पास, जितना भी पास हो तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, टू नहीं डाल सकते, टू से बहुत पास। इसका मतलब जब एक्सटेंडिंग टू टू बोलते हैं, एक्सटेंडिंग टू टू पॉजिटिव बोलने से एक्स का वैल्यू टू से बड़ा,
एक्स टेंडिंग टू टू निगेटिव बोलने से एक्स का वैल्यू टू से छोटा। जब ये बोलते हैं एक्स टेंडिंग टू टू बड़ा भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू टू से छोटा भी हो सकता है, बट नॉट इक्वल। जब ऐसा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, तो इसको कैंसिल किया जा सकता है। तो अभी एक्स का वैल्यू टू डाल सकते हैं तो फिर फोर हो जाएगा। बट जब एक्स का वैल्यू टू अगर एग्जैक्टली डाल दे तो यहाँ पे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, टू के बहुत पास लेकिन नॉट इक्वल टू टू, लिमिट मतलब इस प्रकार। यहाँ पे भी जब लिमिट लिया था, लिमिट मतलब नॉट इक्वल टू सी, सी के बहुत पास, सी से बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है। जब तक हम लोग सी प्लस और सी माइनस नहीं बोलते तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। थैंक यू, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।